और चलिए एक बार फिर रुख करते हैं एक बड़े अपडेट का जो उत्तर प्रदेश से आ रहा है। उत्तर प्रदेश में दरअसल लगातार घटनाक्रम तेजी से बढ़ता हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हारी हुई 14 सीटों पर प्रत्याशी तय करने की कवायद पे बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम तय करने की कवायद तेज कर दी गई है। और इस मिशन 2024 में 80 में 80 का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के लिए रखा गया है। 400 प्लस सीटों के इस लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, और इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश के लिए दिया जा रहा है। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए। विवेक, अगर बात की जाए मिशन 2024 के अंदर, जहां 400 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य की बात बीजेपी कर रही है, उसमें 80 में 80 बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में जरूरी है। इन 14 सीटों के फोकस की अगर बात की जाए, जहां माना जा रहा है कि सबसे पहले उम्मीदवारों का ऐलान होगा, वो कौन सी सीटें हैं, कौन से नाम हैं और क्या रणनीति? देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव, उसमें बीजेपी ने 64 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में जब उपचुनाव हुआ तो 2 सीटें और जीती हैं। अब 14 सीटें बाकी रह गई हैं। बीजेपी जो पिछली बार हार गए थे, उन 14 सीटों पर अब रणनीति तय हो रही है, मंथन हो रहा है। कल दिल्ली में बड़ी बैठक थी जिसमें बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं, पदाधिकारी हैं और तमाम केंद्रीय नेतृत्व के आला लोग मौजूद थे। उन्होंने तय किया है कि सबसे पहले उन 14 सीटों पर मंथन करेंगे। उन 14 सीटों के लिए यूपी के जो प्रभारी हैं उन्होंने नाम सौंपे हैं, तीन तीन लोगों का एक पैनल सौंपा है, और सारे समीकरण को ध्यान में रखते हुए इसमें सबसे खास सीट है रायबरेली। रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछली बार अमेठी सीट बीजेपी ने जीत ली थी, अब रायबरेली पर निशाना है। रायबरेली अगर जीत लेंगे तो वो पूरे देश को एक बड़ा मैसेज जाएगा कि इंडिया गठबंधन का जो पूरा सफाया है उत्तर प्रदेश से करने के लिए, एक बड़ा मैसेज देना जरूरी है अगर रायबरेली सीट जीत लेती है बीजेपी तो। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो गाजीपुर की है। अफजाल अंसारी वहां से सांसद हैं बसपा के, लेकिन अब सपा ने उनको टिकट दिया है। अफजाल का गढ़ माना जाता है, बीजेपी की कोशिश है सबसे पहले उन कमजोरियों को दूर करने की जहां पिछले चुनावी परीक्षा में उसे कम नंबर मिले थे। Zee News।